सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि संकटग्रस्त अगर हम होते हैं तो हमें क्या क्या लक्षण महसूस होते हैं और घर पर ही संकट को हम कैसे कुछ समय के लिए कैद कर सकते हैं। देखिए, बालाजी में आपको जाना अति अनिवार्य है अगर आप किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया से घिरे हुए हैं या किसी प्रकार का आपके ऊपर काला जादू हुआ है। लेकिन अगर आप इस समय देखिए, बालाजी का मंदिर बंद है, लोग जा नहीं पा रहे हैं, और जा भी रहे हैं तो वहाँ पे किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं हो रही है, तो आप तब तक क्या करें? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे रही हूँ। साथ में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि जिन लोगों के ऊपर संकट होता है उन्हें किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। देखिए, परहेज कई तरीके से होते हैं। एक तो परहेज होगा खाने संबंधी परहेज, दूसरा होगा आपको कि आपका सोने का क्या नियम होना चाहिए, तीसरा आपका होना है कि आपको कहीं जाना आना है उस संबंधी आपको क्या परहेज करने हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने का प्रयास करूंगी संक्षिप्त में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करती हूं कि मुझे क्या क्या परहेज बताए गए थे, उसी के आधार पर मैं आपको ये वीडियो बनाकर बता रही हूँ। तो आपको खाने में तेल, कड़वा तेल और रिफाइंड का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप किसी संकट से ग्रस्त हैं और अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसके साथ इन नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आप बाहर की बनी कोई भी चीज़ नहीं ले सकते हैं। जैसे बाहर से बनी हुई चीज़ों से मतलब होता है कि नमकीन, बिस्किट है और पापड़ है, समोसे हैं, बर्गर, चाउमीन, ये सब चीज़ें तो आपको नहीं लेनी है। इसके अलावा आप मिठाई भी नहीं ले सकते बाहर से बनी हुई, और ये जो गजक पट्टी वगैरह इस समय सर्दियों में खूब आती है ये भी आपको नहीं खानी है। यहाँ तक कि आप पेठा, दही, ये सब चीज़ें जो बाज़ार से आती हैं उन्हें नहीं खाना है। बाज़ार की चीज़ों का परहेज़ दोस्तों इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए, घर पर हम जो चीज़ें बनाते हैं उसे शुद्धता के साथ बनाते हैं, और इसमें जब आप किसी संकट से ग्रस्त होते हैं तो आपको प्याज लहसुन पूर्णतया वर्जित करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि बाहर कहीं बनी हुई चीज़ इन सब चीज़ों से पूर्णतया सुरक्षित है या किसने कितनी सफाई के साथ इसे बनाया है। तो ये इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आपको चावल खाना बंद करना होगा, उड़द की दाल खाना बंद करना होगा अगर आपने घर पे अर्जी लगाई है तो, क्योंकि अर्जी लगाने का लिए भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आपको सबसे पहले अर्जी लगा देनी चाहिए ताकि बालाजी महाराज आपकी सुरक्षा करें। तो आपको उड़द की दाल और चावल छोड़ना होगा, और जो भी चीज़ आप खाएंगे उबाल के खाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा मसाला वगैरह आपको नहीं यूज़ करना है। जैसे आप खटाई है, मिर्च है, ये सब चीज़ आप नहीं यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। अचार वगैरह है आपको नहीं खाना है। अपनी जीभ पे आपको कंट्रोल रखना है क्योंकि आपको उस संकट को जो आपके अंदर है उसको कमज़ोर करना है। अगर आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाते रहेंगे, उसे अच्छी चीज़ें प्राप्त होती रहेंगी, तो वो आपके शरीर को छोड़कर जाना क्यों पसंद करेंगे? अगर आप अपने शरीर को कष्ट देंगे, उन्हें सात्विक आहार देंगे, तो जो संकट होते हैं उन्हें इस तरीके के आहार की से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है तो वो कमज़ोर हो जाएंगे, और जो कमज़ोर होगा उसे निकालना बहुत आसान होगा, और वो पूजा पाठ आप जो दैनिक करेंगे उससे वो धीरे धीरे आपके शरीर को छोड़कर जाने पे विवश हो जाएंगे। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि आपको बाहर आने जाने से परहेज करना होगा, क्योंकि बालाजी आप जब जाएंगे तो आपको वहाँ से कील दी जाती हैं अभिमंत्रित की हुई, और पूजा पाठ बताई जाती है कि आपको क्या करना है। तो वो कील वगैरह आप अपने घर में गाड़ देते हैं, उसके बाद आपका घर पूर्णतया सुरक्षित हो जाता है। लेकिन जब आप बाहर जाएंगे तो आपको नहीं पता है कि आपके ऊपर जब जिस किसी ने भी इस तरीके की क्रिया कराई है वो प्रयास करता रहेगा, और आप बाहर जाकर इन चीज़ों से फिर घिर जाएंगे, तो आप फिर शून्य पे आकर खड़े हो जाएंगे जितना आप में सुधार हुआ होगा। तो आपको इन चीज़ों को मतलब रोकना होगा। जैसे मैं अपनी आपको उदाहरण देके बता रही हूँ कि मुझे 9 महीने के परहेज करने पड़े थे लगातार। तो 9 महीने में मैंने अपने मायके तक जाना बंद कर दिया था। मेरा मायका पास में ही है, लेकिन पंडित जी ने मुझे आदेश दिया था कि मुझे मायके नहीं जाना है,
अगर मुझे किसी कारणवश बहुत ज़रूरी होता था मायके को जाना, बहुत इम्पॉर्टेंट कोई काम है और मुझे जाना ही जाना है, तो मैं क्या करती थी कि पूरी तरीके से वो भभूत वगैरह लेकर जाती थी और अपने लिए खाना बनाकर अपने घर से लेके जाती थी। मैं अपने मायके जा रही थी लेकिन मुझे वहाँ खाना खाना अलाउड नहीं था। मुझे अपने लिए उबला हुआ जो सब्जी थी और जो भी कुछ मैं खाती थी उसे मैं एक छोटे से टिफिन में पैक कर लेती थी और उसके बाद अपने घर जाती थी। यहाँ तक कि दोस्तों इन 9 महीने में दीपावली भी पड़ी, होली भी पड़ी, बहुत सारे त्यौहार आए लोगों के लिए। मैंने घर पे नाश्ता भी बनाया, मिठाइयाँ भी आईं, गुजिया भी बनी, पापड़ भी बने, लेकिन मुझे उन सब चीज़ों को नहीं खाना था, बिल्कुल भी परहेज़ था। मुझे बिल्कुल उबला हुआ सात्विक खाना खाना था। लैया चूरा जो बना होता है चावल का, वो भी आपको नहीं खाना है क्योंकि आपको चावल का परहेज करना है। दूसरा, आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, इसको गांठ आपको बांध लेनी है। सोने संबंधी परहेज में आपको जमीन पे सोना अनिवार्य है। अगर आप किसी संकट से ग्रस्त हैं और पूजा पाठ अगर कर रहे हैं बालाजी की, तो आपको जमीन में सोना ज़रूरी है। सर्दी है तो आप क्या करिए कि अपने लिए मोटा सा कंबल बिछा लीजिए, गद्दा बिछा लीजिए। देखिए, सुरक्षा के साथ साथ अपनी शारीरिक सुरक्षा का भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो इन परहेजों को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सर्दी को ध्यान में रखते हुए आप तखत पे भी सो सकते हैं, लेकिन आप अगर शादीशुदा हैं तो आपको पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और ब्रह्मचर्य के पालन के साथ साथ आपको अलग सोना होगा, अपने लिए अलग बिस्तर लगाना होगा, किसी के साथ आपको सोना नहीं है, क्योंकि आपके लिए सुरक्षा घेरा, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर आपके लिए सुरक्षा घेरा बना देते हैं। बालाजी महाराज की ये कृपा हो जाती है कि जब आप वहाँ से लौट कर आएंगे दर्शन करके, या आप घर पर ही अर्जी वगैरह लगाते हैं, दरखास्त वगैरह लगाते हैं, तो बालाजी महाराज की एक विशेष सुरक्षा कवच के घेरे में आप आ जाते हैं, जिससे आप अपने घर में पूर्णतया सुरक्षित रहेंगे। आपको पूजा संबंधी क्या नियम अपनाने हैं, अब उन्हें सुन लीजिए। दोस्तों, आपको पूजा दोनों समय करनी है और कम से कम आपको एक एक घंटा पूजा में देना ही होगा, तभी आपके शरीर की ये नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर को छोड़कर जाने पे विवश हो जाएगी। पूजा में आपको क्या क्या पाठ करने हैं, आपको देखिए, एक तो बालाजी की चालीसा पढ़नी है, प्रेतराज जी की चालीसा पढ़नी है, और भैरव चालीसा आपको पढ़नी है, हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है, संकट मोचन हनुमान अष्टक आपको पढ़ना है, और उसके बाद आप हनुमान जी की आरती कर दीजिए, और बाकी जो भी आप पूजा करते हैं उन्हें आप कर सकते हैं। और गीता का अध्याय पढ़ना ना भूलिए, इससे आपको कुछ अलग तरीके के अनुभव भी होंगे और आपकी सुरक्षा और ज़्यादा दृढ़ हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा जो भी कुछ बातें हैं संकट संबंधी, उन्हें मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगी। देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप अच्छे से नहीं सुनेंगे, और इसी वजह से मैंने इस वीडियो में ना तो प्रश्न पूछा है और ना ही उत्तर बताया है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो आप लोग सुनते नहीं हैं तो मेरा वीडियो बनाना फिर निरर्थक हो जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अगर काम का लगा हो और आपको लगता है कि किसी के बहुत काम आ सकता है, तो आपको उसे शेयर ज़रूर करना चाहिए। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले भक्तों की मनोकामना बाबा ज़रूर पूरी करें, और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बाबा की कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।